स्वैरेवन और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये जो दो चाबी आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये चाबी हमारी बिलोंग करती है हमारे इस प्रोडक्ट को। ये है आपके सामने टोयोटा ग्लेंजा ई, ये 2023 वाला है और अब आप इसे कह सकते हो कि 2023 वाला है और आप इसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। पीछे की साइड से अगर आप देख रहे हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई 2023 वाला है। वो किस हिसाब से, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जो रूल स्टैंडर्ड कर दिए कि भाई सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए गाड़ियों के अंदर जो कि स्टैंडर्ड हों, बेस मॉडल से ही हों, तो वो अब इसके अंदर आपको अपडेट होकर मिलती हैं। प्राइस में ज़्यादा कोई खास चेंज आया नहीं है। ये 6,71,000 रुपये आपको एक शोरूम कॉस्ट करती है, मतलब 6.71 लाख रुपीज़ एक शोरूम अब आपको एक कॉस्ट करती है। मोटा मोटा 6,000-7,000 रुपये का एक छोटा सा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसमें मिलता क्या क्या है वो चीज़ आपसे शेयर कर लेते हैं। 2023 में अगर आप एक ग्लेंजा लेने के लिए जाते हो और बेस मॉडल इसका प्रोग्राम कर रहे हो, फिर प्लान कर रहे हो, तो इसमें क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस मॉडल से ही आपको सेंटर लॉकिंग मिलती है इसके अंदर, मतलब दोनों ही चाबियों को अपना डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर टोयोटा का लोगो आएगा जो कि अभी कवर किया हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके की यहाँ पे दो चाबियाँ आती हैं। तो एक सहूलियत ये मिल जाती है बेस मॉडल से कि आपको ऐसे चाबी डाल के गाड़ी नहीं खोलनी पड़ेगी, आप दूर से गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो। तो इसे रख लेते हैं जेब में, अपनी में, पॉकेट में। मतलब ये है इसकी डायमेंशन वगैरह देख लेना, कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये। और ओवरऑल गाड़ी की लुक्स की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा शानदार भाई, मतलब बेस मॉडल से ही एक एग्रेशन जो है इस गाड़ी का बरकरार है। ये आप देखोगे ना इधर की साइड से देखो, ये देखो, मतलब ये जो टोयोटा का लोगो है, ये विंग्स वगैरह है। और दूसरा फिर इसका जो बम्पर है थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी सा इसको जो दिया गया है वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेशन इसको देता है। बाकी अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, किसी को इसकी सगी बहन पसंद आती है बलिनो, किसी को ये पसंद आ जाती है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। बेस मॉडल से यहाँ पे क्रोम विंग्स जो अपने हैं वो आते हैं, टोयोटा का लोगो है। नीचे बम्पर पे डिक्टो सेम वही कार्बन फाइबर जैसा टेक्सचर यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अंदर कोई कंजूसी नहीं की गई है। क्रोम की स्ट्रिप्स वगैरह आती हैं, ऐसा नहीं है कि बेस मॉडल तो खाली छोड़ दिया बम्पर को, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर एकदम बढ़िया फिनिश मिलती है, मतलब यहाँ से आप देखोगे तो आप बता नहीं सकते कि बेस मॉडल है, क्योंकि इसके जो दूसरे वेरियंट्स आते हैं उनके अंदर भी ये टेक्सचर जो है वो सेम आता है। ये टोइंग हुक की प्लेसमेंट यहाँ पे है, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है। ये अपना टोयोटा का लोगो यहाँ पे मिल जाता है। प्रोजेक्टर बेस अपना हेडलैम्प्स का सेटअप यहाँ पे आपको मिलता है, जो कि ऑब्वियस येलो लाइट आपको ऑफर करता है, बट यहाँ पे प्रोजेक्टर के साथ आ जाता है, ये एक चीज़ अच्छी है। ये अपना क्रोम की स्ट्रिप्स वगैरह अंदर मिलती हैं, मतलब दूर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये DRLs वगैरह नहीं है। धूप वगैरह पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करती हैं बढ़िया, क्रोम का आपको पता ही भाई चमकता है वो धूप में, तो लगता है दूर से खाली खाली सी नहीं लगती है हेडलैम्प यूनिट। ओवरऑल बात ये है, यहाँ पर अपने देखोगे तो पार्किंग बल्ब है, इंडिकेटर वगैरह है और अंदर से पूरा जो ट्रीटमेंट है ग्लॉसी ब्लैक किया हुआ है, बहुत बढ़िया ये है जी। और साइड से देखो कुछ इस तरीके की दिखती है ये। अभी साइड प्रोफाइल की बातचीत यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे टायर सेक्शन वगैरह की यहाँ पे बातचीत करें तो अपोलो के यहाँ पे आपको टायर्स ऑफर होते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि अपोलो के ही आएंगे इसके साथ, ये अपना डिपेंड करता है कि कंपनी का किसके साथ फिलहाल टाई अप चल रहा है, मतलब कौन सी कंपनी डील कर रही है फिलहाल में, तो ये चेंज होती रहती हैं चीज़ें। यहाँ पे फिलहाल आपको अपोलो के मिलते हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो 185/75 R15 15 इंच की अच्छी खासी प्रोफाइल यहाँ पे मिलती है। आगे डिस्क, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, ये व्हील कैप्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि बेस मॉडल से आपको ये व्हील जो है खाली खाली सा फील होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये व्हील कैप जो है ओरिजिनल टोयोटा के यहाँ पे आपको लग के मिलते हैं, आपको इनके ऊपर कोई खर्चा नहीं करना है कि आपको बाहर से जाके लगवाने पड़ेंगे, तो एक अच्छी चीज़। इंडिकेटर जो है वो आपको यहाँ पे फेंडर पे देखने के लिए मिलता है, ये एक चीज़ थोड़ी आपको मतलब खटक सकती है कि हाँ भाई ये इंडिकेटर जो है फेंडर पे है, बट बेस मॉडल है तो काम चला लोगे आप भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैट ब्लैक अपने ORVMs आते हैं, इनके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट या फिर फोल्डेबल सिस्टम नहीं मिलता है, ये आपको हाथ से ही फोल्ड करने पड़ेंगे और ये आपको हाथ से ही अपना एडजस्ट भी करने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। देखो तो एक ये चीज़ है, अंदर देखोगे तो अभी देखो कोई यहाँ पे स्टिक वगैरह नहीं दी हुई है, तो ये आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे। और ये बार बार जब आप ऐसे हाथ से करोगे तो इस पर फिंगरप्रिंट ज़रूर आएंगे, कभी ना कभी बहुत जल्दी गंदा होगा, ये एक ही चीज़ है। बाकी जो डोर हैंडल्स वगैरह हैं ये पूरे मैट ब्लैक मिलते हैं। ये पिलर्स जो हैं साइड वाले ये अपना बॉडी कलर ही है, इस पर कोई मैट फिनिश नहीं मिलती है। रूफ रेल्स वगैरह कुछ नहीं है, ऊपर की साइड प्लेन रूफ है। नॉर्मल सा एंटीना का पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है आपको। ये अपना क्वार्टर पैनल वगैरह है और ये कुछ ऐसी दिखती है। और ये वाला जो पोर्शन है अपर मॉडल्स में आपने देखा होगा कि क्रोम वगैरह का आता है, तो ये पूरा यहाँ पे ब्लैक कलर का ही मिलता है। इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं की गई है, ये अपना ऐसा कैसे ही आता बेस मॉडल में। यहाँ से डलेगा इसके अंदर पेट्रोल लेफ्ट साइड से, और पीछे से देखो कुछ इस तरीके की दिखती है इसकी प्रोफाइल। यहाँ पे स्पॉइलर भी दिया हुआ है, स्टॉप लैम्प भी है, डिफॉगर भी आ जाता है बेस मॉडल में। ग्लेंजा की बैजिंग है, मॉडल की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है जो कि यहाँ पे आपको दिखेगी ई मॉडल की। और ये कुछ इस तरीके से पीछे की प्रोफाइल है, देखो बढ़िया, मतलब यहाँ से भी एक वाइपर को छोड़ के आपको ओवरऑल पूरी पूरी सी फील होगी, ऐसा कुछ आपको खास ज़्यादा घटकेगा नहीं कि भाई ये चीज़ नहीं थी, एक जस्ट वाइपर को छोड़ के। और स्टीरियो आता नहीं है इसके अंदर, तो रिवर्स कैमरा भी नहीं आता है। यहाँ पे चार पार्किंग सेंसर्स हैं, 1, 2, 3 और चौथा वहाँ पे पॉइंट है। ये अपनी नंबर प्लेट की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है, ग्लेंजा यहाँ पे लिखा हुआ है।
और ये देख लो कुछ इस तरीके की प्रोफाइल है। और अभी फटाफट से ये खोल के दिखाता हूँ। बेस मॉडल से यहाँ पे अपना मैग्नेटिक बटन जो है ऑफर होती है आपको, तो इसे प्रेस करके आप अपना बूट एक्सेस कर सकते हो सिंपल। और यहाँ पे आपको मिलती है 318 लीटर की बूट कैपेसिटी, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलती है। और ये देखो जो एक बड़ी सी चीज़ चेंज करी इन्होंने, वो ये कर दिया कि यहाँ पे 60-40 का ऑप्शन दे दिया पहली बात सीट्स के अंदर। तो अगर आपको ऐसा है कि सीट फोल्ड करके कुछ सामान अंदर डालना है निकालना है, तो एकदम इजी कर दिया वो प्रोसेस। यहाँ पे अपना लेआउट्स आपको मिल जाता है पार्सल ट्रे वगैरह के लिए, अगर आपको लगवानी हो तो आप सिंपली यहाँ पे अपना रखवा सकते हो। यहाँ पे कोई बूट लैंप वगैरह नहीं है, बाकी हुक्स वगैरह आपको दिए हुए हैं। और ये चीज़ें आपको अलग दिख रही होंगी, 3 एडजस्टेड हेडरेस्ट जो हैं वो आप कर दिए स्टैंडर्ड, ये बेस मॉडल से ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये देखो यहाँ पे सीट बेल्ट भी मिलेगी, ये देखो 3-पॉइंट सीट बेल्ट, मतलब तीनों बंदूक यहाँ पे सीट बेल्ट आपको मिल जाती है बेस मॉडल से ही। और यहाँ स्पेयर व्हील वगैरह की बातचीत करें तो वो सेम ही मिलेगा, जी हाँ अपोलो का ही, और सेम अपने टायर सेक्शन के साथ है, 185/65 R15 15 इंच की कोई प्रोफाइल। और ये है इसकी टूल किट वगैरह, तो अब इसे कर लेते हैं बंद। और अभी अंदर की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं कि अंदर क्या क्या मिलता है बेस मॉडल के अंदर। तो ये लो जी, ये लो, अगर आपको बलिनो का डार्क इंटीरियर पसंद नहीं है तो ये डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो स्टांस है वो बेज एंड ब्लैक का है। उसके अंदर ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो ब्लू पैटर्न में मिलती हैं, बट इसके अंदर बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, थोड़ी एयरी एयरी फील होती है, थोड़ी खुली खुली फील होती है यहाँ पे। और यहाँ डोर पैनल की बात करते हैं, ब्लैक कलर का डोर लिवर है, ये अपना फैब्रिक वगैरह दिया हुआ है बेस मॉडल में। और ये आप देख सकते हो ये भी फैब्रिक है और ये भी फैब्रिक है, चारों पार विंडोज़ दी हुई हैं। ORMs के यहाँ पे कोई कंट्रोल्स वगैरह नहीं है, डोर्स के लॉक आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के, और विंडोज़ के लॉक मिल जाते हैं। स्पीकर वगैरह के लेआउट्स दिए हुए हैं, बट स्पीकर नहीं आता है इसके अंदर क्योंकि स्टीरियो नहीं है, बोतल होल्डर वगैरह है। 4-वे मैनुअल एडजस्टेड यहाँ पे सीट मिलती है, मतलब इसके अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती है। इधर एक साइड ट्रैक्शन कंट्रोल की बटन है, एडजस्ट स्टार्ट स्टॉप वाली बटन है, लाइट डेवलिंग डायल है, नीचे एक साइड स्पेस मिल जाती है। और यहाँ पे अपना बोनट खोलने के लिए लेवर दिया हुआ है, फ्यूल लिड खोलने के लिए यहाँ पे लेवर दिया हुआ है। और नीचे एक साइड 3 पेडल्स हैं, एक्सेलरेशन ब्रेक क्लच, और डेड पेडल के लिए भी यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। और वो प्लेसमेंट भी कुछ इस तरीके से है कि ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको हम्प बना के दे दिया है, उसके ऊपर आपको रबर टेक्सचर भी देखने के लिए मिलता है कि अगर आपका पैर रखा हुआ है तो वो स्लिप नहीं करेगा। ये देख रहे हो आप वेव जो बन रही हैं, ये रबराइज टेक्सचर है यहाँ पे, तो आपका जो ग्रिप है वो ठीक ठाक बनी रहेगी यहाँ पे। तो एक ये चीज़ अच्छी है इसके बारे में। और अभी पीछे कर लेते हैं, अब ये ऑन करके दिखा देते हैं आपको एक बार। तो ये कुछ इस तरीके की यहाँ पे चाबियाँ हैं, मैंने आपको दिखा दी हैं। इधर की साइड यहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं मिलती है, जो रिंग लाइट सी आती है ना इग्निशन की स्विच के चारों तरफ, वो यहाँ पे नहीं है। बाकी ऑन करके दिखाता हूँ, एक बार ऑन करोगे स्टेयरिंग व्हील जो है अपना अनलॉक हो जाता है। यहाँ पे कोई इन्फोटेनमेंट सिस्टम आता नहीं है तो वो ऑन नहीं होता है यहाँ पे। बाकी इसमें आपको फ्रीडम मिल जाती है, आपको जैसा मन करे जहाँ से मन करे आप वहाँ से लगवा सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। तो अगर आप मॉडिफिकेशन कराने के शौकीन हो, या फिर आपको कोई कार ऐसी चाहिए जिसमें आपको अपने हाथ से काम कराना है कि भाई मैं अपने टच के हिसाब से काम कराऊंगा कि भाई मुझे लेदर मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके का चाहिए, सीट्स कुछ इस तरीके की चाहिए, तो वो आप इसके अंदर करवा सकते हो। बाकी हम इसे ऑन करके दिखाते हैं आपको, एक बार और चाबी को घुमा देते हैं। तो ये देखो कुछ इस तरीके से ग्लो करता है अपना क्लस्टर, 8000 तक की RPM है, 220 की टॉप स्पीड मार्किंग है, बीच में एक MID मिलती है जिसके अंदर आप देखोगे टाइम है, ट्रिप है, ऑटो किलोमीटर वगैरह, फ्यूल वगैरह, या मतलब बेसिक सी जितनी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिलती हैं। बट एक ये चीज़ अच्छी है कि बेस मॉडल से आपको डुअल डायल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जस्ट आपको स्पीड वाला डायल जो है वो दिया हो कंपनी ने, तो यहाँ पे दोनों डायल्स आपको मिलते हैं, तो इसको आपको चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ये चीज़ यहाँ पे मिल जाती है आपको। इधर की साइड अपने वाइपर्स के कंट्रोल दिए हुए हैं, इधर की साइड हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल हैं। और स्टीयरिंग की बात करें तो कुछ इस तरीके का मिलता है, काफ़ी हैंडी सा पतला सा स्टीयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम मिलता है आपको बेस मॉडल से, ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे दो एयरबैग्स भी आते हैं, एक यहाँ पे है एक वहाँ पे है। और जस्ट इसके अंदर एक स्टीरियो लगा दें तो कोई कह नहीं सकता है कि बेस मॉडल है, क्योंकि काफ़ी अपीलिंग सी प्रोफाइल इसकी आपको मिलती है, मुझे ऐसा लगता है। आपकी क्या राय प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। एडजस्टमेंट की बात करते हैं हम स्टीयरिंग की, तो यहाँ पे टिल्ट और टिल्ट का ही ऑप्शन मिलता है, बाकी ऑप्शन मिल जाता है इसको टिल्ट करने का, वो एक अच्छी चीज़ है बेस मॉडल के अंदर। ये ग्लॉसी ट्रिम्स वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं, ये बेज हाईलाइट यहाँ पे दी हुई है, अपना यहाँ पे कॉलम देखने के लिए मिलता है कुछ इस तरीके से, ये MPT, यहाँ पे कोई स्टीरियो वगैरह नहीं है, वो आप लगवा सकते हो अपने हिसाब से। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है जो कि बेस मॉडल से ही आपको मिलेगा। इधर की साइड अपना 12 का चार्जिंग सॉकेट है, स्पेस है 2 कप होल्डर्स, और ये 5 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर कुछ इस तरीके का, इसके ऊपर कोई हाईलाइट वगैरह नहीं है तो नॉर्मल सा ही मिलता है। हैंड ब्रेक है, ब्लैक टिप के साथ है, आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं है। और यहाँ की बात करें तो डिसेंट सी स्पेस आपको यहाँ पे भी मिल जाती है ग्लो बॉक्स के अंदर,
तो आपका पेपर वर्क जो है वो ईजिली आ जाएगा यहाँ पे। ऊपर की साइड यहाँ देखोगे तो एयरबैग की बैजिंग दी हुई है यहाँ पे, बाकी वैनिटी मिरर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। इधर की साइड मैनुअल डिमिंग IRBM आपको मिलता है बेस मॉडल से। इधर की साइड को टिकट होल्डर वगैरह नहीं दिया हुआ है कंपनी ने। बाकी ये हैं सारी चीज़ें, कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछ लेना कॉमेंट्स में। और अभी चलते हैं पीछे और पीछे स्पेस वगैरह की बातचीत करते हैं। सो ये बात करते हैं पीछे की स्पेस वगैरह के बारे में। तो ये आप देख लो यहाँ पे डोर पैनल कुछ इस तरीके का मिलता है। यहाँ पे भी अपना कुछ इस तरीके की फैब्रिक वगैरह आपको मिलती है, मतलब चारों डोर पैनल्स पे फैब्रिक मिल जाता है आपको। डोर लेवर जो है ब्लैक कलर का, स्पीकर का लेआउट यहाँ पे भी दिया हुआ है। अपना बोतल होल्डर की स्पेस मिल जाती है यहाँ पे। और अभी पीछे की स्पेस दिखाता हूँ आपको। तो अभी पीछे बैठ के देखो, 5 9 मेरी हाइट है, ये गाड़ी जान ही जाती थी अपनी स्पेस के लिए पहले दिन से ही। तो इसके अंदर स्पेस में कभी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ किसी के साथ। यहाँ पे पॉकेट्स वगैरह नहीं मिलती हैं दोनों सीट्स पे। पीछे 12 का चार्जिंग सॉकेट भी आपको मिल जाता है। स्पेस वगैरह है यहाँ पे, स्पेस वगैरह है मिनिमल सा हम तक, बट इसकी वजह से 3 बंदों को बैठने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी ये तो हम मिल ही गए हैं आपको पीछे तीनों एडजस्टेड हेडरेस्ट। पहले तो वो आते थे जो फिक्स थे इनके अंदर ही, इंटीग्रेटेड आते थे सीट्स के अंदर ही, बट ये आपको नहीं मिलते हैं यहाँ पे। और ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी है, 60-40 का ऑप्शन भी है। और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू। और एक ही रीडिंग लाइट आती है जो कि बीच में आपको मिलेगी आगे वाली रो और पीछे वाली रो के लिए। यहाँ पे 1 2 3 ग्रैब हैंडल्स हैं जो कि कुछ इस तरीके से इजी फोल्ड होते हैं। यहाँ पे कोट वगैरह हैंग करने के लिए आपको हुक भी मिल जाता है। तो एक ये चीज़ें हैं। और बाकी अब इसका इंजन कंपार्टमेंट दिखाते हैं, कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछ लेना। बाकी क्या राय इसके बारे में जरूर बताना कमेंट्स में। अभी इंजन कंपार्टमेंट की बात करते हैं। सो इसके इंजन कंपार्टमेंट की बातचीत करें तो यहाँ पे देखो बेस मॉडल से इंसुलेशन पैडिंग आपको मिलती है, बहुत बढ़िया। बाकी इंजन इतनी नॉइज करता नहीं है और ये अपना लेटेस्ट इंजन है। तो इसके अंदर 1197 cc का ये आपको इंजन देखने को मिलता है जो कि 4 सिलेंडर इंजन है। और भाई साहब क्या स्मूथ साइलेंट इंजन है ये। 89 bhp आपको ऑलमोस्ट ये डेवलप करके देता है। 113 Nm का टॉर्क जो है इसके अंदर आपको मिल जाता है। 37 liters की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है। 20-23 kmpl पर लीटर की माइलेज कंपनी क्लेम करती है, मतलब 20-23 के बीच की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। और ये निकाल भी देगी भाई आराम से। नीचे पैडिंग वगैरह आपको मिलती है इंजन प्रोटेक्शन की। बाकी ये है आपके सामने इंजन कंपार्टमेंट। और 1 सेकंड हम इसे बंद कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। सो ये थी आपके सामने टोयोटा ग्लेंजा 2023 ई मॉडल जो कि अब अपडेट हो चुका है। इसके अंदर वो पीछे वाला जो सीट वाला जो ऑप्शन है वो टॉप मॉडल में आपने कभी देखा होगा, बट इसके अंदर अब स्टैंडर्ड कर दी वो चीज़ें। तो क्या राय आपकी इस प्राइस पॉइंट पे इस गाड़ी के बारे में, जरूर शेयर करना। और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।